आपको जो मैं स्टेप बताऊंगा उसको आप फॉलो करिएगा। अगर आप फॉलो स्टेप करोगे तो आपको फोटो कुछ इस प्रकार की एडिट दिखाई देगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस फोटो को एडिट करना। तो सबसे पहले सर आपको अपने कटआउट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है। कटआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पूरे इस पे रिमार्क कर लेना है। इस प्रकार की आउटलाइन यहाँ पे क्रिएट कर लेनी है जो आपके पूरे इस पर आ जाए, यानी जो आपको फोटो क्रॉप करनी है या कटआउट करनी है उस पर आपके आउटलाइन कर लेनी है। आउटलाइन करने के बाद इसे नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास थोड़ा वेट करने के बाद में आपके पास कुछ इस प्रकार से फोटो आएगी। तो देखो कुछ इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पे फोटो आई, यानी यहाँ पे मेरा परफेक्ट पूरा यहाँ पे कटआउट हो चुका है। तो इस प्रकार फोटो पूरी कट होने के बाद में आपको हल्का सा आपकी कट हो चुकी है पूरी, यानी कुछ कुछ मिस्टेक हो चुकी है जिसमें, तो आपको यहाँ से हल्का सा इसे इरेज कर लेना है। हल्का सा इसे इरेज करने के बाद में आपको यहाँ से इसे सेव कर लेना है। तो सिंपली आपको वापस अपने ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाना है। ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके यहाँ से आप इसे सिंपली सेव कर लेना। तो आपको सेव कर लेने के बाद में तो गाइस आपको सबसे पहले ये बैकग्राउंड अपने पिक्सआर्ट में इनट कर लेना है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप वहाँ से इसे डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप अपने क्रॉप वाले ऑप्शन में जाना। क्रॉप वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पर आप अपने इसको इस प्रकार से इतना क्रॉप कर लेना, यानी कहीं से भी आप इसे यहाँ पे क्रॉप कर लेना। जैसे मैं इतना क्रॉप करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से इसे क्रॉप करके यहाँ से राइट क्लिक कर लेना। जैसे आप राइट क्लिक यहाँ से करोगे तो वापस आप अपने एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना। वहाँ पे जाने के बाद में आपको अपने जो आपने फोटो सेव करी थी उसको यहाँ पे आप पिक्सआर्ट में ऐड कर लेना। तो यहाँ पे मैं फोटो ऐड कर लेता हूँ। तो इसको आप परफेक्ट यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर लेना। आपको कुछ इस प्रकार से ये फोटो यहाँ पर ऐड करनी है, यानी पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर दिखाई दे। उसके बाद में आपको फोटो को यहाँ से राइट क्लिक नहीं करना, आपको सबसे पहले यहाँ पे ब्रश वाले ऑप्शन पे जाना है। ब्रश वाले ऑप्शन पे जाके आपको यहाँ से हार्डनेस को थोड़ा सा 90 पे करना है और साइज को थोड़ा सा यहाँ पे कम कर देना है। और आपको जो भी अपनी बॉडी पे आउटलाइन दिख रही होगी वाइट कलर की, उसको आपको यहाँ से इरेज करना है। तो ये आउटलाइन मैं यहाँ से जल्दी जल्दी इरेज कर लेता हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम लंबा वीडियो ना बने। तो इसको यहाँ पूरा यहाँ पे पेंट करके वापस यहाँ पे राइट क्लिक कर देना। तो राइट क्लिक करने के बाद में जस्ट आपको अपने कुछ स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं बताता हूँ कि एच यू वाले ऑप्शन को यहाँ पे आप हल्का सा यहाँ पे रोटेट करना। रोटेट करने के बाद में आपको अपने यहाँ पे ड्रेसेज में थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे नजर आएगा। तो आप यहाँ पे अपने अनुसार कोई सा भी कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। तो मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे ये वाला कलर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी अपने अनुसार यहाँ पे कलर सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे इफेक्ट डाल लेना। तो यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट हैं जिन्हें आप यहाँ पे अपने कपड़ों पे डाल सकते हो। मैंने मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे इफेक्ट डाल दिया। तो अभी आप इसे राइट कर ओके कर देना। राइट कर ओके करने के बाद में तो आप देख सकते हो कि आपकी ड्रेसेस पे कलर कितना शानदार यहाँ पे इफेक्ट डाल रहा है। तो वापस आप अपने यहाँ पे इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाना। इफेक्ट्स वाले ऑप्शन में जाके वापस कलर्स वाले ऑप्शन में जाके यहाँ पे आप वापस कलराइज वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना और
यहाँ पे अपने अनुसार वापस इफेक्ट यहाँ पे डालना और वापस वही स्टेप फॉलो करना इरेजर वाले, आपके यहाँ पे मर्ज कर देना। मर्ज करने के बाद ब्रश को यहाँ पे सेलेक्ट करना और आपकी बार आपको पेंट अपने पेंट पे करना है। तो आप वहाँ से ब्लू वाला कलर जो जींस के लिए परफेक्ट है वो कलर आप यहाँ से सेलेक्ट करना है। इससे लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं पूरा पेंट। तो गाइस हमने यहाँ पे अपने कपड़ों पे भी पेंट वाले कलर को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद वापस यहाँ पे आप मल्टीपल ऑप्शन पे जाना और आप यहाँ पे देखना कि आपके जींस का कलर सही है या नहीं है। आप यहाँ से हल्के अनुसार यहाँ पे सेट कर लेना। तो मुझे ये वाला कलर यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, तो यहाँ से मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल राइट क्लिक कर दूंगा। तो राइट क्लिक करने के बाद में आपको सडनली कुछ नहीं करना, वापस आपको अपने क्रॉप वाले ऑप्शन को ऑप्शन पर चल गए, वापस आपको यहाँ पर इसे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाना है। एडजस्ट वाले ऑप्शन पे जाके हल्का सा यहाँ पे आपको इसको हल्का सा यहाँ पे आपको इसको ब्राइटनेस इफेक्ट यहाँ पे टर्न कर देना। तो ब्राइटनेस इफेक्ट यहाँ पे टर्न करके यहाँ पे इसे ओके कर देना। तो यहाँ पे ओके। हेलो गाइस, सभी स्टेप पूरे कंप्लीट करने के बाद में आपको वापस अपने एडवोट पे जाना है। एडवोट पे जाने के बाद में आपको एक हेयर पीएनजी दी जाएगी जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लेना। तो चलिए हम शुरू से ऐड ये हेयर पीएनजी जो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, अभी से आप यहाँ पे मॉडल के फोटो के ऊपर सेट कर देते हैं। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल रियल इस पर मैच करनी चाहिए। तो देखिए से थोड़ा टाइम लगेगा इसको सेट करने में, तो आप इसे बढ़िया अच्छी तरह परफेक्ट तरीके से इसे यहाँ पे सेव करें, ताकि जितना टाइम लेके आप इसे सेव करोगे फोटो इतनी अच्छी तरीके से यहाँ पे एडिट होगी। तो यहाँ पे हमारा हेयर पीएनजी सेट होने का काम हो चुका है। तो आप इसे राइट कर दें। राइट क्लिक करने के बाद में ड्रो वाले ऑप्शन पे जाएं। ड्रो वाले ऑप्शन पे जाने के बाद में थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से सेव कर लें। अब सेव करने के बाद इसे आप स्नैपसीड ऐप में ओपन कर लें। तो हम जल्दी से स्नैपसीड ऐप को, तो हेलो गाइस आपको यहाँ पे अपने गैलरी में जाना है। गैलरी में आपको फोटो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से स्नैपसीड ऐप में शेयर कर देनी है। अगर स्नैपसीड आपके पास डाउनलोड नहीं हो तो इसका लिंक भी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज आपको सबसे पहले यहाँ पे पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और ट्रू इमेज पे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ट्रू इमेज पे सेलेक्ट करने के बाद में आपको ब्राइटनेस यहाँ पे थोड़ा सा लो कर देना है हल्का सा, और ब्राइटनेस यहाँ पे से थोड़ा सा हल्का सा लो करना है और कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे बढ़ा देना है। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के बाद में सिचुएशन को यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज कर देना और एम्बियंस को थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज कर देना और हाईलाइट भी थोड़ी सी यहाँ पे इंक्रीज कर देना और शेडो को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज कर देना और वार्म को थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे -10 के यहाँ पे रखना और राइट क्लिक यहाँ से कर देना। राइट क्लिक करने के बाद में आपकी फोटो पर कुछ कलर इफेक्ट यहाँ पे बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे दिखेगा। तो वापस आपको यहाँ पे पेंसिल पे जाना, डिटेल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जाना। डिटेल्स वाले ऑप्शन पे यहाँ पे डिटेल्स शॉर्ट कटर को यहाँ पे थोड़ा सा 20 से 30 के बीच में यहाँ पे रख देना, 30-26 यहाँ पे रख देना और शार्पिंग वाले ऑप्शन पे यहाँ पे थोड़ा सा 50 के समथिंग यहाँ पे रख देना है, 40-50 रख देना, जिससे क्या है कि फोटो में थोड़ी रियलिटी यहाँ पे नजर आएगी। तो यहाँ से राइट क्लिक कर देना, तो वापस पेंसिल वाले ऑप्शन में जाकर सेलेक्टेड टूल्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना और इसको अपने फेस के ऊपर यहाँ सेलेक्ट करके ब्राइटनेस को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना और कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे कम कर देना, सिचुएशन भी यहाँ पे कम कर देना और शॉर्ट कटर भी यहाँ पे कम कर देना है। यही स्टेप फॉलो आपको वापस अपने बॉडी के जितने भी मार्क है यहाँ पे आप सेलेक्ट करना है वहाँ पे उसको सेलेक्ट करना। तो यहाँ पे वही आप ब्राइटनेस हल्का सा बढ़ा देना है, कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे कम कर देना है और सिचुएशन को भी यहाँ पे कम कर देनी है और शॉर्ट कटर को भी यहाँ पे कम कर देना है। ये स्टेप आपको यहाँ पे नीचे पेड़ के यहाँ पे फॉलो करना है। ब्राइटनेस को थोड़ा सा बढ़ा देना है और शॉर्ट कट को कम कर देना है, सिचुएशन को भी कम कर देना है, शॉर्ट कटर को भी यहाँ पे कम कर देना है। जिसके बाद में वापस आपको यहाँ पे राइट क्लिक कर देना है। राइट क्लिक करने के बाद में वापस आपको पेंसिल ऑप्शन पे जाना है, सेलेक्टिव टूल्स को वापस सेलेक्ट करना और ड्रेसेस पे यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे सेलेक्ट करना और ब्राइटनेस थोड़ा सा करना, कॉन्ट्रास्ट को यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा कम कर देना और सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना, यानी इसका आपका कलर इफेक्ट बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे इंक्रीज होगा। तो वापस आपको सेलेक्टिव टूल्स प्लस पे क्लिक करना है और जींस वाले ऑप्शन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे हल्का सा थोड़ा यहाँ पे ब्राइट करना, कॉन्ट्रास्ट को कम करना और सिचुएशन को थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा देना और यहाँ पे इसको भी थोड़ा कम कर देना। वापस प्लस वाले आइकन पे यहाँ पे क्लिक करना और स्काई पे यहाँ पे टैप करना है। तो स्काई को यहाँ पे टैप करने के बाद में आपको हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइटनेस ज़्यादा कर देना है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा देना है और सिचुएशन को भी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देना है और शॉर्ट कटर को भी यहाँ पे थोड़ा सा
बड़ा दरा जिसके स्काई कलर बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे आपको नजर आएगा। और वापस राइट क्लिक यहाँ से कर देना। राइट क्लिक यहाँ से करने के बाद में आपको फिर से पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाना है और पोर्ट्रेट मोड को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अपन वेट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वेट करने के बाद में थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना और स्किन स्मूथिंग वाले ऑप्शन को भी यहाँ पे क्लिक कर देना और आई लाइनिंग वाले ऑप्शन को भी क्लिक कर देना और राइट क्लिक कर देना। राइट क्लिक करने के बाद में आपको फोटो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे नज़र आएगी। जो पहले फोटो इस प्रकार की थी, अब फोटो कुछ इस प्रकार की हो गई है। तो आप देख सकते हो कि इसमें कितना रियल लुक आ गया। तो यहाँ से आपके डन करके यहाँ से सेलेक्ट कर लें और इसे सेव कर लें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।